जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता सिवान न्यूज़ में। बता दें कि इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान ज़िला में, और आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे स्क्रीन पे डॉक्टर बलराम आचार्य जी मौजूद हैं और जुड़ चुके हैं। आज इनके क्लिनिक पे हमारी टीम पहुंची हुई है और ये अपने क्लिनिक पे आज मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं। इनसे बातें करेंगे, यह शिविर किस प्रकार के लगाया गया और किस प्रकार के मरीजों को देखा जा रहा है और क्या क्या बीमारियों के इलाज करते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए। स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज जो आपने लगाया है मेडिकल फ्री चेकअप हेल्थ केयर, क्या इसमें कौन कौन सी बीमारी का इलाज करेंगे? आज तो पेट है, जोड़ों का दर्द है, अस्थमा। तो अभी सर कितने मरीजों का इलाज कर चुके हैं? अभी 10 मरीज देखे हैं। 10 मरीजों में सर कितना बीमारी, कौन कौन सी बीमारी के मरीज? ज्यादा मरीज आ रहे हैं आपको पेट संबंधित और ज्वाइंट पेन है, अस्थमा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, चाहे मोटापा बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो घुटनों को दर्द से लेकर आज के जनरेशन में लोग तबाह है, इसको लेकर क्या कही है, कौन सा इलाज है? देखिए, वजन बढ़ेगा तो घुटने का दर्द तो होगा। वजन को सामान्य रखेंगे आप तो घुटना थोड़ा सा, नहीं तो वजन बढ़ेगा तो घुटने परेशानी आपको होगी। और ये भी है कि पहले लोग दवा खाना खाने के बाद दवा खाते थे, लेकिन अब हो रहा है कि खाना खाने से पहले दवा खा रहे हैं, यानी गैस का शिकार होते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है सर, इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये तो बात सत्य है, इसका कारण है खान पान। खान पान लोगों का दूषित हो गया है सर। यहाँ पे जो आप कैंप लगाए हुए हैं, निःशुल्क कैंप है, दवा भी निःशुल्क देते हैं, किस प्रकार है? देखिए, महीने में एक बार हम कैंप करते हैं, एक बार महीने में हम फ्री देखते हैं और मेडिसिन भी तो हम फ्री बंटवाते हैं 5 दिन का, जो भी मरीज आते हैं 5 दिन का मेडिसिन भी फ्री देते हैं जी। सर बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं करते हैं, 5 दिन दवा भी देंगे आप, फ्री में इलाज भी करेंगे। ऐसे देखिए, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो दवा के अभाव में, पैसा के अभाव में दवा नहीं खरीद पाते हैं, तो महीने में एक बार हम फ्री कैंप लगाते हैं, आप 5 दिन के दवा दे देंगे। कैसे सोच में आया है कि हमको ऐसा काम करना चाहिए ताकि समाज का उन्नति हो, कल्याण हो? देखिए, सोच में आया कि मरीज जब आते हैं तो उनको देखने के बाद पता चल जाता है, कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास पैसे नहीं लेकिन इलाज कराने आ गए हैं, वो दवा लिखने के बाद दवा नहीं खरीद पाते हैं, तो लगता है कि महीने में एक बार किया जाए तो उस टाइप के मरीज को हम लोग देख सकते हैं। तो सर आपके जैसे डॉक्टर जब ऐसे पहल शुरू किए हैं तो बाकी डॉक्टरों को भी तो ऐसे पहल शुरू करना चाहिए। ये अपना अपना सोच है ताकि समाज कल्याण में हिस्सेदारी मिल सके उनको। मान लीजिए कि आप महीने का 30 दिन पैसे का देख रहे हैं, एक दिन आप फ्री देख लीजिए, दवा दे दीजिए, क्या घट गया? कुछ कुछ नहीं होने वाला है, लोगों का तो सेवा करना जरूरी है। जो लोग ठीक होके आते हैं आपके पास, इन पैसे दे उन्हें इलाज करवाते हैं, दवा लेते हैं, ठीक होके जब आते हैं तो क्या कहते हैं सर? देखिए, दवा लेके जाते हैं और ठीक हो जाते हैं तो आते हैं तो बहुत कुछ हमको आशीर्वाद के रूप में, उस समय कैसा लगता है? अच्छा लगता है। एक सवाल है सर, अंग्रेजी दवा तो लोग ज्यादा विश्वास हो रहा है और आयुर्वेदिक की बात किया जाए तो आयुर्वेदिक प्राचीन दवा है, विश्वसनीय दवा है, जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन आयुर्वेदिक पर विश्वास नहीं होना, अंग्रेजी पर विश्वास होना, कितना इसमें लोगों का समझदारी नहीं? देखिए, जिसको जहाँ विश्वास है वहाँ तो जाएगा वो और खाएगा, वहाँ जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तब फिर इधर भी आएगा, यहाँ नहीं मिलेगा फिर आगे जाएगा, ये तो मरीज ऐसे आते जाते रहेंगे। एक और सवाल है सर, कहता है कि अंग्रेजी दवा खा खाकर इंसान जो है कि अपना शरीर को खोखला बना दिया है, लेकिन एक बीमारी ठीक करने के लिए दवा खाता है लेकिन उसके अगल बगल देखा जाए तो कई बीमारियां पैदा हो जाती है, क्या ये सत्य है सर? देखिए, हर चीज का हर चीज में अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन ये भी कहा था कि आयुर्वेदिक तो दवा है, इसको खाने से जो बीमारी तो ठीक करने के लिए खाएंगे वही ठीक होगा, दूसरा बीमारी
जो अवलोल होता है वो खराब नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसमें क्या कहिए? देखिए तो आयुर्वेद जो है टोटली ये आपको सब ये हर्बल हर्बल है एक तरह का। तो इसको लेकर क्या कहिएगा सर, जो मरीज आ रहे हैं जिनके पास पैसे के अभाव से वो दवा नहीं करा पाते हैं, पैसे के अभाव से सही अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए क्या सेवा करेंगे सर? बस हम महीने में एक बार देखते हैं, जो मरीज आते हैं उनको महीने में अगर जरूर देखेंगे हम। चलिए तो आपका जो एड्रेस क्या है, सुंदर पर क्या एड्रेस है? जी मेरा एड्रेस अस्पताल रोड पकड़ी मोड़ से 100 कदम उत्तर सिवान।